हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाई आर कांत में स्वागत करता हूं। आइए, हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपके लिए दिया था, आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर किया। इसका आंसर मैं अब इस वीडियो में सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्या क्वेश्चन था, बोला इफ टेन ए इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए, आपको कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स टेन ए की वैल्यू ये है, तो कॉस ए का मान फाइंड आउट करना है। आपके पास फोर ऑप्शंस हैं, आप देखिए इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए आपके पास एंगल ये है ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, देन हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस से आ जाएगा। तब आपके पास फाइंड आउट क्या करना था, कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस वाई, हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आंसर ऑप्शन इज एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हम करेंगे, और उसके लिए हम देखते हैं इसका डेरिवेशन देखेंगे कि किस टाइप से ये वैल्यूज आई हैं, और देन इसके बाद हम इसकी टेबल फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे ये आपके फॉर्म हुए। देखिए फर्स्ट वी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना लिया, ये एंगल सपोज है आपका 45 डिग्री हो गया, दिस इज 45 डिग्री, ये 45 है, ये आपका 90, देन ये भी आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, 45 45 90 90 180, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 से ये फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या गया, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो दिस इज 45 90 एंड अगेन दिस इज 45। अब देखिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनकी वैल्यूज हम 45 डिग्री पर फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम यहां देखेंगे, से उनके नेम दे देते हैं ए बी एंड सी, हियर एंगल, हियर एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर 45 डिग्री, दैट मींस बोथ आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी इज 45 डिग्री, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट किस प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, आर इक्वल। अब इसके बेस पर हम फाइंड आउट करते हैं, अगर ये दोनों सपोज इक्वल हैं तो से ए बोथ आर, सो से दे आर ए, हमने कह दिया ये किसके इक्वल है, सपोज इनकी वैल्यू ए है, बोथ आर इक्वल्स टू ए, सो ए सी, ए सी इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो पाय थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा आपके पास ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो बोथ आर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस इज रूट टू टाइम्स ए, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो दिस इज ए रूट टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आ गया आपके पास ए सी, ए सी की वैल्यू क्या आ गई रूट टू टाइम्स ए, नाउ आपके पास थ्री साइड्स, हमने तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली, हमने क्या किया था, हमने ये सीखा था पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, इसका यूज करेंगे और हम इसके सारे रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट से साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए 45 है, हम ए एंगल ये ले लेते हैं, ये ले ले, अगर हमने एंगल 45 ले लिया तो हमारा बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो आपके पास ये आ जाएगा ए बी अपॉन, अगर आप लेंगे एंगल ये देन ए बी, और अगर आप लेंगे साइन 45, साइन 45 एंगल ये लेंगे देन बेस ये परपेंडिकुलर ये आ गया आपके पास, तो दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिस इज बीसी अपॉन में एसी, बीसी आपके पास क्या ए है, एसी रूट टू ए, एसी कैंसिल दैट मींस 1/√2, साइन 45 की वैल्यू आ गई आपकी 1/√2। सिमिलरली कॉस 45, कॉस 45 बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस इज ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस इज ए सी, दिस इज ए अपॉन रूट टू ए, दिस इज 1/√2, ये आ गया आपके पास कोस 45 भी आ गया आपका 1/√2। टेन फोर्टी फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स बी सी अपॉन में ए बी, बी सी इज ए अपॉन ए कैंसिल आउट दिस इज 1, तो 1045 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। cosec 45, cosec 45 दिस इज 1 अपॉन sin 45 दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ sin, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ sin मींस आपका आ गया √2 अपॉन 1, दिस इज √2, √2 को 1 से डिवाइड करेंगे दिस इज √2। sec 45 रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, cos 45 इज 1/√2, अगेन दिस इज √2। cot 45, cot 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 45, दिस इज 1/1 इज 1, ये आ गया आपके पास cot 45 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इस तरह से हमने ये देखा यहां पर कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री के सारे रेशियोज की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका हमने किया 45 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट एंगल हम लेके चलते हैं और आप इन्हें जैसे हमने ये रेशियोज में हमने किए हैं आप ट्रायंगल की हेल्प से इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल पर हम बात करेंगे। अब आपके पास यहाँ आपको कैलकुलेट करना 60 डिग्रीज पर वैल्यू, 60 डिग्रीज पर जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है तब आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा अपना ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम यहाँ कंसीडर करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को बिकॉज इट्स ईच एंगल इज 60, इसके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल आर 60 डिग्री, इसके सभी एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री होंगे। अब इसमें हमें 30 डिग्री एंगल भी इसे कैलकुलेट करना, तो क्या करें 30 डिग्री के लिए हम यहां पर करेंगे, अब ये आपका 60 डिग्री था, हमने ड्रॉ किया इस पर एक परपेंडिकुलर, ये आपने ले लिया, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, से दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ए सपोज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, आपने ड्रॉ कर लिया। आपने यहां क्या कंसीडर करेंगे, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ड्रॉ ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ने ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आपके पास हम वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑल आर सेम, तो इट मींस कि ये आपके पास क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री था, तो इट मींस ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये 30-30 डिग्री हो गए क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर जो 60 था उसका हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री 60 डिग्री। नाउ यहां से अब आप 60 डिग्री और 30 डिग्री रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे,
तो आइए, ये साइड्स है आपकी, तो आप यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी ऑल आर 2a, आप इनकी वैल्यू लीजिए 2a, ए भी आप ले सकते हैं, a लेंगे तो यहाँ a by 2 हाफ आप आ जाएगा, बट इन इन केस जब आप ये 2a 2a लेंगे तो ये साइड हो गई आपकी 2a, ये भी हो गई 2a और ये टोटल हो गई आपकी 2a, टोटल 2a है, तो दैट मींस ये क्या है आपका, क्या मीडियन भी है, परपेंडिकुलर है, मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर भी है AD, तो इट मींस AD अगर क्या है मीडियन है, मीडियन है तो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दैट मींस BD एंड DC बोथ आर सेम, दिस इज 2a तो दिस इज a एंड a, ये वैल्यू आपकी यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या आ गई, a और a आ गई, इट मींस कि आपके पास BD एंड सो BD इज इक्वल्स टू DC बोथ आर a, BC एक से आया आपके पास, दिस इज BC बाय 2, तो BC इज 2a डिवाइड बाय 2, दिस इज a, तो ये आ गया आपके पास a, ये क्या आ गया आपके पास a, BD एंड BC की वैल्यू, DC की वैल्यू आपके पास आ गई a, अब आप क्या करेंगे इन दिस ट्रायंगल में चलते हैं भाई, तो इन राइट ट्रायंगल BDA हम इस ट्रायंगल्स में गए, यहां पर हम जाएंगे तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम अपना क्या निकालेंगे, AD फाइंड आउट कर लेते हैं, तो AD AD इज स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा आपके पास, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दिस इज AD स्क्वायर, AD इज AB, AB इज 2A, दिस इज 2A स्क्वायर माइनस BD A स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर, स्क्वायर खोल देंगे 2 टू द 4 एंड a a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर और दिस इज √3a स्क्वायर, ये आ गया आपका 3a स्क्वायर, अगेन ये आ गया √3 और a स्क्वायर रूट से आ जाएगा बाहर, √3 टाइम्स a आ गया आपके पास क्या AD, आपके पास ये साइड्स आ गई, अब आप राइट एंगल में क्या करेंगे अपना वर्क करेंगे, जो जो आपको कैलकुलेट करना है देखते हैं, हमने निकाला सपोज साइन 30 डिग्री पर बात कर लेते हैं, पहले साइन 30 डिग्री हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपका एंगल ये 30 है तो ये बेस और BD आपके पास क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, दिस इज BD अपॉन में AB, BD इज A, AB इज 2A, A to A cancel, this is 1 by 2, तो sin 30 की वैल्यू आ गई आपके पास 1 by 2, लिखिए cos base upon hypotenuse, 30 base upon hypotenuse, this is AD upon में AB, AD is, AD आपके पास क्या है, AD, AD आपके पास √3 A, AB, AB is 2A, A to A cancel, this is √3 by 2, साइन 30 1 बाय 2, कॉस 30 √3 बाय 2, टेन थर्टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन AD अपॉन में बेस BD, 30 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थर्टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 30 परपेंडिकुलर BD, बेस दिस, तो BD अपॉन में बेस आपका AD, तो BD इज A, बेस इज √3 A, A to A कैंसिल, दिस इज 1 बाय √3, 1030 की वैल्यू आ गई 1 बाय √3, सिमिलरली अब आपको कैलकुलेट करना है cosec 30, सेम इसी प्रोसीजर से आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 1 बाय sin 30, रेसिप्रोकल ऐसा कर सकते हैं, sin 30 का रेसिप्रोकल दिस इज 2 बाय 1, दिस इज 2, यह आ गया cosec 30, sec 30, 1 बाय cos 30, दिस इज 1 बाय cos इज दिस, तो 2 बाय √3, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2 बाय √3, एंड लास्ट वन इज cot 30, 1 बाय tan 30, 1 बाय √3, दिस इज √3 बाय 1 इज √3, ये आपके पास trigonometric रेशियोज की एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पर आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 60 डिग्री रेशियो पर, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अब एंगल आपका 60 ये है, देन बेस ये और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये हो गई, अब tan 60 साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, AD अपॉन AB, AD इज √3 बाय √3A, AD इज √3A एंड AB इज 2A, √3A, A to A cancel, this is √3 by 2. Next, cos 60, base upon hypotenuse, cos 60, 60 है, base upon hypotenuse, BD upon AB, BD is A upon AB is 2A, A to A cancel, 1 by 2, cos 60 is 1 by 2, tan 60, perpendicular upon base, perpendicular upon base, AD upon BD, AD √3 ABD, A cancel out, this is √3, cos 60 1 by sin 60, sin 60 √3 by 2, this is 2 by √3, reciprocal कर दीजिए इसका, cos sec 60 1 by cos 60, cos 60 1 by 2, this is 2 reciprocal of this cos 60, and the last one is cot 60, cot 60 reciprocal of tan 60, tan 60 is this √3 by 1, it means 1 by √3, ये आपकी values आ गई किस पर, trigonometric ratios के at the angle of 60, 60 degree angle पर हमने trigonometric ratios की क्या find out वाली values सारी find out कर ली।